नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपके बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम आपको पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाएंगे और ये जो लेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर थर्ड का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर सेकेंड के अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रह गए थे उनके बारे में बताएंगे, फंक्शंस के एग्जाम्पल। साथ ही साथ हम आपको एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताएंगे जिसका इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है और आगे के सभी चैप्टर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब वो जो डेफिनेशन है ये आज जो डेफिनेशन होने वाले लेक्चर के अंदर वो डेफिनेशन आपका क्या है, इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बेसिस है। ठीक है भाई, क्या इसका बेसिक है? तो बेसिक डेफिनेशन है वो, तो उन डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़ें और साथ ही साथ इन फंक्शन के बारे में आप अच्छे से जानें। ठीक है भाई, देखिए लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने आपको टोटल चार फंक्शन के बारे में बताया था। पहला तो कौन सा था आपका? फर्स्ट था आपका पॉलीनोमियल फंक्शन। ठीक है, सेकंड आपका कौन सा था? सेकंड था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थर्ड आपका था कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फोर्थ था आपका लॉगरिथम, और अब ये फिफ्थ आपका रेशनल फंक्शन, और नेक्स्ट आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनकी बात करेंगे जिनमें से हमने टोटल चार फंक्शन के हमने लास्ट के लेक्चर में बात करी। अब देखो आपका नेक्स्ट आपका एग्जांपल है जो कि क्या है, एफ ऑफ जेड बराबर टेन जेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है वो है एफ ऑफ जेड बराबर टेन जेड। ठीक है, जहाँ पे जेड बराबर क्या है? जेड बराबर है एक्स प्लस आई का फाइव। ठीक है, देखिए भाई आप जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड बराबर क्या होता है? यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पे टेन ऑफ जेड। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड की वैल्यू टेन ऑफ जेड है, तो यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा बी वी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी टेन जेड। टेन जेड बराबर क्या होता है? आप जानते हैं टेन जेड बराबर होता है साइन जेड बटा कोस जेड। ठीक है, टेन जेड बराबर क्या होता है? साइन जेड बटा कोस जेड। अब देखिए जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्स प्लस आई टा वाई, तो टेन टेन जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन एक्स प्लस आई टा वाई अपॉन साइन एक्स माइनस सॉरी साइन अपॉन कोस एक्स प्लस आई टा वाई। ठीक है, तो यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई टा वी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी साइन एक्स प्लस आई टा वाई अपॉन कोस एक्स प्लस आई टा वाई। ठीक है, ये होगी। अब देखिए भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में मैंने देखा कि यहाँ पे आपके अंदर कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि कौन सा है? कोस। तो मैंने यहाँ पे कोस एक्स प्लस आल्फा वाई है, इसको मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने कम्प्लीटली अंश हर के अंदर किससे मल्टीप्लाई कर दिया? अंश वह हर के अंदर मैंने क्या कर दिया? मैंने कोस ऑफ एक्स माइनस आल्फा वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, मैंने क्या कर दिया, अंश वह हर के अंदर इस फंक्शन को कोस ऑफ एक्स माइनस आल्फा वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए भाई यहाँ पे यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई बटा कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या है, साइन जेड बटा कॉस जेड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जब भी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको मैंने कैसे बनाया, ये जो आपके कोस जेड फंक्शन है इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने इसके कॉन्जुगेट्स के प्रति मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि आपको जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जेड वन अपॉन जेड टू बार का, तो इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करते हो कि आप क्या करते हो, इसको जेड टू बार से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आंसर आर में जेड टू बार से मल्टीप्लाई करते हो तो आप देख दो क्या आता है, यहाँ पे आता है जेड वन इंटू जेड टू बार बटा जेड टू का मॉडुलस का इस पर। ठीक है, ये आता है, तो यहाँ पे मैंने इसका मॉडुलस के स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, कोस जेड बार से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए कोस जेड बार से मल्टीप्लाई कर जेड बार वैल्यू होता है एक्स माइनस आल्फा वाई, तो मैंने इसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस जो फंक्शन है इस फंक्शन में मैंने क्या किया, इसमें मैंने अंश और हर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अंश और हर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला बन रहा है टू साइन ए कॉस बी का। ठीक है, और टू कॉस ए कॉस बी का, तो देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे मान आता है आपको पता है टू साइन ए प्लस कॉस बी क्या होता है, टू साइन ए प्लस कॉस बी क्या होता है, टू साइन ए प्लस कॉस बी होता है साइन ए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस आल्टा वाई प्लस
एक्स माइनस आधा वाई प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई बटा टू कोस से कोस बी का मान क्या होता है, टू कोस से कोस बी होता है कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या होता है कोस ए माइनस बी मतलब कोस एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो गया तो और इधर एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इधर क्या हो गया एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इधर आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच रहा है प्लीज, आपके पास लास्ट बच रहा है साइन टू एक्स प्लस साइन टू आयोटा वाई बटा कॉस टू एक्स प्लस कॉस टू आयोटा वाई। ठीक है, ये आपके पास बचा शेष। अब देखो साइन टू एक्स एडिटिव रहेगा, कॉस टू आयोटा वाई क्या होता है कॉस आयोटा थीटा क्या होता है कॉस तो आयोटा थीटा क्या होता है कॉस आयोटा थीटा होता है कॉस आयोटा कोस थीटा और साइन आयोटा थीटा क्या होता है आयोटा साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन टू एक्स एडिटिव जाएगा साइन टू एक्स प्लस ये हो जाएगा आयोटा साइन हाइपरबोला टू वाई बटा कॉस टू एक्स एडिटिव रहेगा प्लस कॉस आयोटा टू वाई का मान कितना होगा कॉस आयोटा टू वाई का मान होगा कॉस हाइपरबोला टू वाई। ठीक है, ये मान आ गया आपका। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है u ऑफ x y प्लस आयोटा v ऑफ x y। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी u ऑफ x y प्लस आयोटा v ऑफ x y। ठीक है, अब देखिए इस cos 2x plus cos hyperbola 2y की वैल्यू इसमें दीजिए और इसका वैल्यू इसमें इस टर्म में दीजिए। देखो क्या आता है आपके पास फाइनली आपके पास आएगा u ऑफ x y प्लस आयोटा v ऑफ x y बराबर साइन 2x बटा cos 2x प्लस cos हाइपरबोला 2y प्लस आयोटा इंटू साइन हाइपरबोला 2y बटा cos 2x प्लस cos हाइपरबोला 2y। ठीक है, दोनों पक्षों में करना क्या आपको वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करनी है। देखो दोनों पक्षों में काल्पनिक वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने का। ठीक है, दोनों पक्षों में करना क्या है वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करनी है। तो वास्तविक काल्पनिक भागों की तुलना करने पर यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है, यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमेशा आपको होती है साइन टू एक्स अपॉन कोस टू एक्स प्लस कोस हाइपरबोला टू वाई। तो यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू होती है साइन टू एक्स अपॉन कोस 2x प्लस cos हाइपरबोला 2y और v ऑफ x y की वैल्यू क्या होती है v ऑफ x y की वैल्यू होगी sin हाइपरबोला 2y अपॉन cos 2x प्लस cos हाइपरबोला 2y। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस टेंजेंट फंक्शन के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका पांचवा एग्जांपल कंप्लीट होता हुआ। अब उसके पश्चात नेक्स्ट देखो आपका कौन सा फंक्शन है, नेक्स्ट आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है वो क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वो देखिए कैसे था? उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालना वो भी देख लीजिए। तो देखिए क्या आता है लास्ट आपका फंक्शन देखिए क्या है एफ ऑफ जेड बराबर टेन इनवर्स जेड। ठीक है, एफ ऑफ जेड बराबर टेन इनवर्स जेड, जहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, जहाँ पे जेड की वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस आयोटा वाई है। अब देखिए आप जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा बी ऑफ एक्स वाई बराबर टेन इनवर्स जेड। ठीक है, आप जानते हैं डब्ल्यू बराबर कहता है एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड बराबर क्या होता है यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा बी ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है इनवर्स जेड है। तो यहाँ से यू प्लस आयोटा बी की वैल्यू क्या मिलेगी, यू प्लस आयोटा बी की वैल्यू मिल रही है टेन।
बार जेड, ठीक है। यू प्लस आई टाइम की वैल्यू टेन इनवर्स जेड मिल रही है, मतलब आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जेड की वैल्यू क्या मिल रही है, जेड की वैल्यू मिल रही है टेन ऑफ यू प्लस आई डब्ल्यू, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या मिल रही है टेन ऑफ यू प्लस आई डब्ल्यू, मतलब x प्लस आईटा वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, x प्लस आईटा वाई की वैल्यू मिल रही है टेन ऑफ यू प्लस आईटा यू, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या मिल रही है टेन ऑफ यू प्लस आईटा वाई। अब देखिए x प्लस आईटा वाई की वैल्यू टेन ऑफ u प्लस आईटा वी है, तो उसकी कंजुगेट की वैल्यू क्या होगी, ये होगी x माइनस आईटा वाई, x प्लस आईटा, x प्लस आईटा वाई का कंजुगेट बराबर टेन ऑफ u प्लस आयोटा v का कंजुगेट, ये किसके बराबर होगा, ये होगा tan of u माइनस आयोटा v के, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये होगा tan of u माइनस आयोटा v के, ठीक है। तो देखिए x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू tan of u प्लस आयोटा वाई है, दक्षिण आयोटा वाई की वैल्यू tan of u माइनस आयोटा वाई है, ठीक है। आप देखिए इन दोनों इक्वेशन की सहायता से आपको किसका मान निकालना है, u का और v का मान निकालना है। देखिए चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं के के 2u क्या होता है, 2u होता है u प्लस आयोटा v प्लस u माइनस आयोटा v, ठीक है। 2u को आप क्या लिख सकते हैं, u प्लस आयोटा v प्लस u माइनस आयोटा v। अब देखिए इसको आप 2u को आप u प्लस आयोटा v प्लस u माइनस आयोटा v लिख सकते हो, तो दोनों पक्षों को आप क्या ले सकते हो, दोनों पक्षों को आप टेन ले लो, ठीक है। दोनों पक्षों को आप क्या ले लो, दोनों पक्षों को टेन लेने पर, तो देखो टेन लेने पे क्या आता है, दोनों पक्षों का टेन लेने पर देखिए क्या आता है, दोनों पक्षों का टेन लेने पर देखिए क्या आएगा, यह आएगा टेन टू यू बराबर टेन ऑफ यू प्लस u प्लस आयोटा v प्लस u माइनस आयोटा v, ठीक है। u प्लस आयोटा v प्लस u माइनस आयोटा v, आपको पता है tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b, तो इसके फॉर्मूले से ऊपर को तो ये क्या हो जाएगा, tan u प्लस आयोटा v प्लस tan u माइनस आयोटा v अपॉन वन माइनस tan u प्लस आयोटा v इंटू टेन u माइनस आयोटा v, ठीक है। अब देखिए tan u प्लस आयोटा v की वैल्यू कितनी है, tan u प्लस आयोटा v की वैल्यू x प्लस आयोटा v और tan u माइनस आयोटा v की वैल्यू क्या है, x माइनस आयोटा y। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan 2u की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, क्या tan 2u की वैल्यू होगी x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y अपॉन वन माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। आपको पता है एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है, जेड, एक्स माइनस आयोटा वाई क्या है, जेड बार, तो जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मोड जेड का स्क्वायर, डेट मीन इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स का प्लस वाई स्क्वायर होती है। तो ये देखो हो जाएगा आयोटा वाई आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो टेन टू यू की वैल्यू क्या आ गई, टेन टू यू की वैल्यू आ गई टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 2u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2u की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी u की वैल्यू, ठीक है। अब उसके पश्चात देखो u की वैल्यू का आपने फाइंड आउट कर ली, अब इसी प्रकार आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इसी प्रकार आप v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। v की वैल्यू देखो किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, v की वैल्यू देखो भाई आप जानते हैं 2 आयोटा v क्या होता है, 2 आयोटा v क्या होता है, 2 आयोटा v होता है u प्लस आयोटा v माइनस u प्लस आयोटा v के बराबर, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू आयोटा वी को, टू आयोटा वी को लिख सकता हूँ यू प्लस आयोटा वी के फॉर्म के रूप में, माइनस को मैं ले सकता हूँ यहाँ से आधा यू माइनस आयोटा वी। अब मैं क्या करूँ, दोनों पक्षों का टैन लेता हूँ, दोनों पक्षों का टैन लेने पर क्या आता है, दोनों पक्षों का टैन लेने पर, तो दोनों पक्षों का टैन लेने पर क्या आता है, इधर आता है टैन टू आयोटा वी बराबर
टेन ऑफ यू प्लस आईटा वी माइनस यू माइनस आईटा बी। ठीक है, अब देखो यू प्लस आईटा वी को आपने मान लिया ए, यू माइनस आईटा वी को मान लिया आपने बी। ठीक है, तो टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन टू आईटा बी बराबर टेन यू प्लस आईटा वी माइनस टेन यू माइनस आईटा वी अपॉन वन प्लस टेन यू प्लस आईटा वी इंटू टेन यू माइनस आईटा। ठीक है, टेन यू प्लस आईटा वी की क्या वैल्यू है, एक्स प्लस आईटा वी, टेन यू माइनस आईटा वी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस आईटा वाई। तो देखो क्या हो जाएगा, टेन टू आईटा वी बराबर जो हो जाएगा एक्स प्लस आईटा वाई माइनस एक्स माइनस आईटा वाई बटा वन प्लस एक्स प्लस आईटा वाई इंटू एक्स माइनस आईटा वाई। अब देखिए ये माइनस एक्स माइनस आईटा वाई से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का एक्स प्लस का आईटा वाई, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, आईटा वाई कितना होगा हो जाएगा टू आईटा वाई हो जाएगा। और आर के अंदर क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स प्लस आईटा वाई इंटू एक्स माइनस आईटा वाई मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आता क्या आएगा इसके बाद पश्चात, नेक्स्ट देखिए इसके पश्चात आएगा टेन टू आएगा बी बराबर टू आएगा वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, टेन आल्टा टू ए किसकी वैल्यू, टेन आल्टा टू ए किसके बराबर होगा, टेन आल्टा टू ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन आल्टा टू बी अपॉन कॉस आल्टा टू बी। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, टू आल्टा वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन आयोटा थीटा क्या होता है, साइन आयोटा साइन आयोटा बोला थीटा, ठीक है, तो होता है आयोटा साइन आयोटा बोला थीटा। और कोस आयोटा थीटा क्या होता है, कोस आयोटा बोला थीटा, तो ये हो जाएगा कोस आयोटा बोला टू बी, कोस हाइपर बोला टू बी। तो साइन आयोटा बोला टू बी अपॉन कोस आयोटा बोला टू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन आयोटा बोला टू बी के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन हाइपर बोला टू बी के बराबर, और ये हो जाएगा टू आयोटा वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयोटा से कौन कैंसिल हो गया, आयोटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास शेष बचा टेन हाइपरबोला टू वी बराबर टू वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों के लो टेन हाइपरबोला इनवर्स लो, तो आपके पास क्या बचा आएगा, नेक्स्ट टू वी बराबर टेन हाइपरबोला इनवर्स इंटू टू वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी वन बाई टू टेन हाइपरबोला इनवर्स टू वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई बी की। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये बी वैल्यू आ गई बी की। अब उसके पश्चात नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो क्या आता है, वो आता है आपका लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो देखिए सम्मिश्र फलन का, सम्मिश्र फलन की सीमा, ठीक है, सम्मिश्र फलन की सीमा, तो सम्मिश्र फलन की सीमा है आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए क्या होता है सम्मिश्र फलन की सीमा, तो देखिए सम्मिश्र फलन की सीमा, ठीक है, सम्मिश्र फलन की सीमा या फिर लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो देखो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट क्या होती है वो देखिए आप नेक्स्ट टॉपिक। ये आपके आज के लेक्चर की क्या है, लास्ट डेफिनेशन है। ठीक है, आज के लेक्चर की ये क्या है, लास्ट डेफिनेशन है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट क्या होती है, जो भाई आपने क्या किया, एक फंक्शन लिया है जो आपने डिफाइन किया कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट सी के किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट डी से सी में। ठीक है, आपने फंक्शन लिया एफ जो डिफाइन हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट सी के किसी भी सबसेट डी से सी में। ठीक है, किस डी से सी में डिफाइन हो रहा है और किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है कि एफ डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड बराबर यू ऑफ एक्स वाई प्लस आल्टा वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है,
किस प्रकार डिफाइन हो रहा है, डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड बराबर यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई डब्ल्यू ऑफ एक्स वाई, जहां पे u ऑफ एक्स वाई u की u ऑफ एक्स वाई क्या की वैल्यू क्या है u, और v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है v, मतलब जहां पे u और v क्या है, u और v x और y के वास्तविक मान फलन है, ठीक है, u ऑफ एक्स वाई क्या है और v ऑफ एक्स वाई x और y के वास्तविक मान फलन है, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, आपने स्ट्रोंगली बी से कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, दोबारा सुन लीजिए, आपने फंक्शन लिया है जो डिफाइन हो रहा है बी से सी में, ठीक है, बी से सी में डिफाइन किया, जैसे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जिसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका फॉर्म एक्स का साइड होगा, जहाँ पे एक्स वाई क्या रियल नंबर आएगा बराबर है जीरो माइनस वन, और जहाँ पे ये जो डी है ये क्या है, ये सी का कोई सबसेट है, ठीक है, डी क्या है यहाँ पे सी का कोई सबसेट है। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये डिफाइन किस प्रकार हो रहा है, डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड बराबर यू ऑफ एक्स वाई प्लस आल्फा वी ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू यू है, वी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू बी है, और ये दोनों के दोनों क्या है एक्स और वाई के वास्तविक मान फलन है, ठीक है। आप देखिए आपने क्या किया, डोमेन से कोई भी पॉइंट लिया जेड, ठीक है, डोमेन से आपने कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लिया जेड, मतलब डोमेन से आपने कोई सारे पॉइंट लिए वो क्या है जेड नॉट, मतलब जेड नॉट क्या है बी का आर्बिट्री पॉइंट है, ठीक है। और आपने क्या माना कि आपने माना कि एप्साइलन क्या है न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या, ठीक है, एप्साइलन क्या है, एप्साइलन न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या है, ठीक है, एप्साइलन क्या है न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या है। अब देखिए अब आपने जो पॉइंट जेड नॉट लिया, पॉइंट जेड नॉट लिया, आपने न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या एप्साइलन लिया, ठीक है, तो देखो जेड नॉट के लिए, जेड नोट के लिए एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार से विद्यमान हो, या फिर ईच जेड नोट के लिए एक न्यूनतम, भाई ये जो प्रत्येक जेड नोट है ना, इस जेड नोट के लिए एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या एप्साइलन इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रही हो के एफ ऑफ जेड मोर एफ ऑफ जेड माइनस एल की वैल्यू क्या है लेस देन एप्सिलॉन है, तो मोर जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू क्या होगी लेस देन डेल्टा होगी, ठीक है, या फिर आप ये कह सको कि ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, मतलब एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार विद्यमान हो कि मोर एफ ऑफ जेड माइनस एल की वैल्यू मोड एफ ऑफ जेड माइनस एल की वैल्यू एप्सिलॉन होती है, जहाँ मोड जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू क्या है लेस देन डेल्टा है, तब फंक्शन एफ ऑफ जेड की लिमिट क्या कहलाती है, तब फंक्शन एफ ऑफ जेड की जेड बराबर जेड नॉट पर सीमा क्या कहलाती है सीमा एल कहलाती है, ठीक है, तब फंक्शन एफ ऑफ जेड की जेड बराबर जेड नॉट पर सीमा क्या कहलाती है एल कहलाती है, जिसको किस प्रकार से लिखते हैं, जिसको लिखते हैं लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड बराबर एल, ठीक है, जिसको किस प्रकार से लिखते हैं लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड बराबर एल, ठीक है, जहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि एफ ऑफ जेड एल की ओर कन्वर्ट हो रहा है, कब है जब जेड किसकी ओर कन्वर्ट हो रहा है जेड कन्वर्ट हो रहा है जेड नॉट की ओर, ठीक है, जब जेड किसकी ओर कन्वर्ट हो रहा है जेड नॉट की ओर कन्वर्ट हो रहा है। दोबारा से देख लीजिए, आपने कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लिया या कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिया एफ जो लिखा हो रहा है डी से सी में किस प्रकार से डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड बराबर वी ऑफ एक्स वाई प्लस आल्फा वी ऑफ एक्स वाई, यू ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स वाई क्या है एक्स और वाई का वास्तविक मान फलन है, और आपने क्या किया डोमेन में से डोमेन डी में से कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया जेड, ठीक है, और एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या मानी एप्सिलॉन, अगर इस न्यूनतम धनात्मक प्रत्येक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या एप्सिलॉन के लिए एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार से विद्यमान हो कि मोड एफ ऑफ जेड माइनस एल की वैल्यू एप्सिलॉन छोटी है वैल्यू एप्सिलॉन छोटी हो तो मोड जेड माइनस जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन डेल्टा होनी चाहिए, ठीक है भाई, मतलब ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल्टा ऐसा मिलना चाहिए कि इसकी वैल्यू किससे छोटी हो एप्सिलॉन से छोटी हो, जहाँ पे मोड जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू किससे छोटी हो डेल्टा से छोटी होगी, तब ये एल क्या कहलाती है तब ये एल इस फलन एफ ऑफ जेड की जेड बराबर जेड नोट पर सीमा कहलाती है, ठीक है, या फिर एफ ऑफ जेड की जेड बराबर जेड नोट पर सीमा क्या होगी एफ ऑफ जेड की जेड बराबर जेड नोट पर सीमा होगी एल, या तो एल सीमा कहलाएगी एफ ऑफ जेड की जेड बराबर जेड नोट पर, या फिर आप ऐसे बोल दो कि एफ ऑफ जेड की जेड बराबर जेड नोट पर सीमा कितनी है
एल है, इसको किस प्रकार से लिखते हैं कि लिमिट जेड एन इंटू जेड नॉट एफ ऑफ जेड बराबर एल, ठीक है, किस प्रकार से लिखते हैं लिमिट जेड एन इंटू जेड नॉट जेड नॉट एफ ऑफ जेड बराबर एल। एक बात और, लिमिट जेड एन इंटू जेड नॉट एफ ऑफ जेड बराबर एल है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जेड किसकी ओर कन्वर्ट हो रहा है, एल की ओर कन्वर्ट हो रहा है। कब हो रहा है एफ ऑफ जेड एल की ओर कब जा रहा है, कब अग्रसर हो रहा है, जब जेड किसकी ओर अग्रसर हो रहा हो, जब जेड अग्रसर हो रहा हो जेड नोट की ओर, ठीक है, जब जेड किसकी ओर अग्रसर होना चाहिए, जेड नोट की ओर अग्रसर होना चाहिए। अगर एफ ऑफ जेड एल की ओर जा रहा है तो मतलब जेड किसकी ओर जा रहा होगा, जेड नोट की ओर जा रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट हो गई है, ठीक है। और ये जो आज का जो लेक्चर है ये यहीं पे कंप्लीट होगा, इसकी जो डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिखाऊंगा और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशंस के बारे में भी बताऊंगा, जैसे कंटिन्यूटी हुई, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।